ये तस्वीरें उस सुनहरे इतिहास की गवाह हैं, जब पहली बार कोई दलित महिला भारत के किसी सूबे की मुख्यमंत्री बनी थी। ये तस्वीर बहुजन समाज की उस एकता की निशानी है जिसने ये साबित कर दिया कि हम भी सत्ता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। 3 जून 1995 को बहन जी के नाम से मशहूर मायावती ने पहली बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली थी। तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। उसके बाद मायावती लगातार आगे बढ़ती रही और आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी। इस मौके पर आइए नजर डालते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती की संघर्ष यात्रा, उनकी जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों पर। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने क्या क्या कमाल कर दिखाया था, आइए जानते हैं। बहन जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ। माना जाता है कि बड़े होते हुए मायावती एक शांत घरेलू लड़की थी, लेकिन निष्ठा और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने बीए और एलएलबी की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल करी। जब वह मेरठ विश्वविद्यालय में बीएड की पढ़ाई कर रही थी, बतौर शिक्षिका काम भी कर रही थी और साथ ही साथ सिविल्स एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी। इसी दौरान वह राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुई। जातिवाद पर जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए गए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के 1977 में एक इवेंट में उनके वक्तृत्व की वाह वाह हुई। बात ऐसी है कि दलितों को लुभाने के लिए उस समय के स्वास्थ्य मंत्री समाजवादी राज नारायण ने अपनी स्पीच में हरिजन शब्द का प्रयोग किया। इस असंवैधानिक शब्द की आलोचना करते हुए बहन जी ने एक काउंटर स्पीच दी, जिसका प्रभाव कुछ यूं हुआ कि श्रोताओं में बैठे बामसेफ सदस्य स्पीच की चर्चा माननीय कांशीराम तक ले गए। फिर क्या था, कुछ दिन बाद मान्यवर पहुंचे बहन जी के घर और उनसे सिविल्स की तैयारी छोड़कर राजनीति में शामिल होने की बात करी। बहुत सोच विचार के बाद मायावती ने सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल होने का फैसला कर लिया। उस पल से ही बहन जी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। शुरुआती वर्षों में मायावती को अक्सर पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में साइकिल की सवारी करते देखा जा सकता था। 1980 के दशक के आखिर में और 1990 के दशक के शुरुआत में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण की बात होने लगी, तो पूरे देश में उथल पुथल मच चुकी थी। एक तरफ दक्षिणपंथी अपनी रथ यात्रा निकाल रहे थे और दूसरी तरफ आरक्षण के खिलाफ सवर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। दंगे भी हुए देश में। गौरतलब है कि कांशीराम और मायावती ने लगातार मंडल कमीशन के लागू होने का समर्थन किया और अभियान भी चलाए। बहुजन एकता के सपने के साथ मान्यवर ने बहुजन समाज पार्टी की नींव 14 अप्रैल 1984 को रखी। मान्यवर ने मायावती को बीएसपी टीम के प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल किया। ये बहन जी के जीवन का एक और मुख्य पड़ाव बना। हालांकि पहले 3 चुनाव में बहन जी को हार का सामना करना पड़ा, पर 1989 में बिजनौर से उनकी पहली जीत हुई और केवल अगले 6 साल में 1995 में वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। देश में सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला, सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य, एक दलित महिला मुख्यमंत्री ऐसे उत्तर प्रदेश की जहां सबसे ज़्यादा जातिगत हिंसा होती है, जो सबसे अधिक पितृसत्तात्मक क्षेत्रों में से एक है, ब्राह्मण सवर्णों का दबदबा सबसे ज़्यादा है, जहां सवर्ण विशेषज्ञ जिस उत्तर प्रदेश को दिल्ली की चाबी मानते हैं। अगर हम गहरी सांस ले एक बार सोचे तो भारत के इतिहास की, खासकर आधुनिक इतिहास की, यह सबसे बड़ी उपलब्धियों में से जरूर एक जीत मानी जा सकती है। अब तक वो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, 1995, 1997 में, 2002 में और 2007 में। 2012 में जब उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ तो वो 5 साल पूरा ख़त्म करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। भारत के 70 साल के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के 70 साल के इतिहास में,
उनके मुख्यमंत्री शासनकाल में सामाजिक न्याय को पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नीतियों में, उत्तर प्रदेश राज्य की नीतियों में देखा गया। उनके नेतृत्व में बहुजनों के लिए भूमि, शिक्षा, रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रगतिशील विधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। दलितों के खिलाफ अत्याचार की संख्या में भारी गिरावट हुई। भीमराव अंबेडकर ग्रामीण एकीकृत विकास कार्यक्रम की शुरुआत गांव में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई। वाल्मीकि समुदाय के बच्चों के लिए शैक्षिक अनुदान दिया गया और एक पुनर्वास कार्यक्रम की घोषणा भी हुई ताकि युवा पीढ़ी को नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, जो उन्हें अपने जाति आधारित व्यवसाय से निकलने का मौका दे। उन्होंने दूसरे यूपी पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया, जिसने 1994 की अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि पासमानदा मुसलमानों को राज्य प्रशासन के पदों में आरक्षण दिया जाए। कानून व्यवस्था को कभी बिगड़ने नहीं दिया उन्होंने, दंगे नहीं होने दिए। विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुत्व संगठनों को दबाव में रखा। उन्होंने मथुरा में अयोध्या जैसे षड्यंत्र नहीं रचने दिए। बहन जी ने भूमिहीनों को भूमि के पुनर्वितरण के लिए भी कई प्रयास किए। इन नीतियों के प्रमुख लाभार्थी राज्य में हाशिए के समुदाय थे। पहले यह सुनिश्चित किया गया कि पिछले प्रशासन द्वारा दलित दावेदारों को जानबूझकर जो पट्टे आवंटित नहीं किए गए उन्हें आवंटित किया जाए। 158,000 परिवारों को 120,000 एकड़ ज़मीन दी गई। कुल मिलाकर करीब 53,000 एकड़ ज़मीन के लिए 51,500 परिवारों को वितरित करने के लिए पट्टे भी दिए गए। उन्होंने तहसील दिवस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसकी आवश्यकता पर बात करी, ताकि आम लोगों को जिला अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को लाने का उचित अवसर मिल सके। इसके अलावा कई विकास परियोजनाएं जैसे कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे और सस्ते मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाए गए। आप नोएडा का शहर ही देख लीजिए, कितना विकास हुआ बहन जी के समय में। वहाँ फॉर्मूला वन कार रेसिंग का ट्रैक बना, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बुद्धा के नाम पे, दुनिया का एक बेहद लोकप्रिय खेल पहली बार भारत में हुआ। पूरी दुनिया को विश्वास नहीं था कि भारत ऐसा कर पाएगा, पर बहन जी के नेतृत्व में ये हो पाया। बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कांशीराम जैसे नेताओं की विरासत और उनके योगदान को याद करने के लिए राष्ट्रीय दलित प्रेरणा मंच, मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल जैसे कई स्मारक भी बनाए। आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय बन गया। कई जिलों को पुनर्गठित किया गया और अंबेडकर शाहू जी महाराज महामाया के नाम पर रखा गया, जो बुद्ध की माता का नाम था। हर जाति के समुदायों को लामबंद करने के अपने प्रयास में उन्होंने बौद्ध नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी जारी किया। पर फिर भी इन सब कारणों के बावजूद भी, ऐसे काम करने के बावजूद भी, दिल्ली की सवर्ण टीवी मीडिया ने केवल बहुजन नेताओं के स्मारक ही दिखाए और उन्हें व्यर्थ का खर्चा बताया। आज से 8-10 साल पहले की बात है ये। इतनी कुंठा थी उस समय भी ब्राह्मणवादी मीडिया में, जो आज गोदी मीडिया कहलाया जाता है। तो एक महिला के रूप में, एक दलित महिला के रूप में, एक राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता, लेखक और विचारक के रूप में उन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक उल्लेखनीय छाप छोड़ी है। सामाजिक न्याय को भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनाना एक क्रांतिकारी काम है खुद में। बहन जी की लड़ाई, साहस और दृढ़ता हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीग।